अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, ठीक है। एडवांस बता रहा हूँ क्योंकि अभी 10 मिनट रहते हैं 12 होने में और 12 बजे देखते हैं आतिशबाजी होगी। पिछली बार तो हुई थी, ठीक है। और हमारी छत से बकायदा ये जो जगह है ना, ये वाली, और ये यहाँ पे एक शादी हॉल है रीत, वो शादी हॉल ये रहा। इस शादी हॉल में इसके पास बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हुई थी। और एक इस तरफ यहाँ पे इस्लामाबाद वाली साइड, तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं आतिशबाजी होती है नहीं होती। होगी तो सही, लेकिन हमारी छत से अगर नज़र आएगी या नहीं आएगी वो देखते हैं। और उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जी दोस्तों, मेरे हाथ इस टाइम बहुत ठंडे हो चुके हैं, ठीक, बर्फ़ बन गए हैं ये हाथ मेरे भी। और मैं आपको बताऊँ ना कि अभी बस जैसे ही मैं ऊपर आया ना, कैमरा निकाला और व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिया, और अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुए होंगे छत में आए और मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए बिल्कुल, और मुँह से बोल रहा ना धुआँ निकल रहा है। हल्के हल्के दूर दूर से ना कोई कोई पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, और पता नहीं वो क्यों पहले स्टार्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन फुल 12 बजे, जैसे ही 12 बजेंगे ना फिर देखेंगे आतिशबाजी स्टार्ट तब ही होती है 12 बजे के बाद। अक्सर लोग ये कुछ होते हैं जो 12 बजे से पहले स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 12 बजे तक वेट करते हैं। 12:30 बजे तक मैं वेट करूँगा, बल्कि देखते हैं। तो जी 12 बज गए हैं बिल्कुल, ये इस तरफ से भी देखिएगा पटाखों की आवाज़ें आने स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन मेरा घर कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे आतिशबाजी यहाँ पर नहीं करते लोग। अब देखते हैं यहाँ से कुछ नज़र आता है नहीं आता। यार यहाँ से शायद आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा, यार ये जो जगह ना, ये जो मेन जगह ये वाली, यहाँ पे ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है। भाई साहब आँखों से तो फिर भी पता चल रहा है, आप कैमरे में आपको क्या न दिखाऊं मैं। ना जी ना, इधर से नहीं नज़र आएगी। असल में मुझे चाहिए था कि मैं ना इस जगह पे चला जाऊं, ये जिस जगह, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वहाँ थोड़े इशू थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। बाकी आपको पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी आतिशबाजी की, ठीक है, बाकी मामलात नहीं हो सके तो उसके लिए माजरत जी दोस्तों, माजरत करता हूँ। और मैं आप लोगों को नहीं दिखा सका आतिशबाजी क्योंकि यहाँ पे पास किसी ने की नहीं है, जिसने की है दूर दूर है, ठीक है। और मैं आपको व्यू कैप्चर नहीं कर सका, ना दिखा सका हूँ मैं आप लोगों को। और मुझे 2 घंटे पहले ही पता चला था कि बैरियन क्लेव वाली साइड एक बहुत बड़ा ना इवेंट है, आतिशबाजी होगी वहाँ पे 2022 के न्यू ईयर के लिए, तो बस वहाँ पे मैं नहीं जा सका किसी वजह से। तो खैर मदद करता हूँ आप लोगों से, और बाकी इंशाल्लाह अब दुआ है कि आप लोगों का ये 2022 साल अच्छा गुजरे और 2021 जैसा भी गुजरा है भूल जाएँ और माफ़ कर दें सब लोगों को, ठीक है, जिसने किसी का दिल दुखाया माफ़ कर दें। और बाकी ये है कि जी 2022 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अच्छे दिन का आप आगाज़ करें, ठीक है, और इंशाल्लाह आपका भी और हमारा भी 2022 अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह।
तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।